दोस्तों, तिरुपति बालाजी के कई ऐसे रहस्य हैं जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। आज हम इन्हीं रहस्यों के साथ साथ एक उस खास रहस्य के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। तिरुपति बालाजी पर एक ऐसी खास चीज चढ़ाई जाती है जो किसी दूसरे मंदिर में कभी नहीं चढ़ती। आखिर कौन सी है वो खास चीज, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। तिरुपति बालाजी के बारे में माना जाता है कि इनकी प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई है। इस बात का प्रमाण इस प्रतिमा में लगे बालों से साफ नजर आता है कि ये एक जीवंत प्रतिमा है। भगवान वेंकटेश्वर की इस प्रतिमा में लगे बाल असली माने जाते हैं, इसलिए बाल कभी भी उलझते नहीं है और ना ही कभी रूखे पड़ते हैं, ये हमेशा मुलायम रहते हैं। तिरुपति बालाजी की एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। आइए जानते हैं अब इस प्रतिमा पर चढ़ाई जाने वाली उस खास चीज के बारे में जिसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दरअसल तिरुपति बालाजी की प्रतिमा पर एक खास प्रकार का कपूर लगाया जाता है, जिसे पचाई कपूर कहा जाता है। ये खास तरह का कपूर है जिसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो वो उसी समय चटक जाता है, लेकिन जब ये भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगाया जाता है तो हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं चटकता। पचाई कपूर को प्रतिदिन इस मूर्ति पर लगाया जाता है, लेकिन इसका प्रतिमा पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, यही वो खास प्रकार की चीज है जो सुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है। साथ ही जब भगवान का श्रृंगार उतार कर स्नान के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी की आकृति उभर आती है। माना जाता है कि यहाँ माता लक्ष्मी भी विराजित है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर में एक दिया है जो कई वर्षों से बिना घी और तेल के जल रहा है। आखिर इस दीपक को सबसे पहले किसने जलाया, आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। ये भी माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ कलयुग के अंत तक रहेंगे। दोस्तों, क्या आप भी आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।